एक वक्त में दुनिया के सबसे बड़े पशु मेलों में गिनती होने वाले सोनपुर के हरिहर क्षेत्र मेले में सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा इस बार टूट गई। मेले के पहले ही दिन कुछ ऐसा हो गया जिसको लेकर काली घाटी स्थित धनुष कुटीर के संत बालक बाबा नाराज हो गए हैं। बालक बाबा ने इसके लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। दरअसल सारण जिले के सोनपुर में गंगा और गंडक के संगम पर लगभग एक महीने तक चलने वाले मेले की शुरुआत कार्तिक पूर्णिमा को हो गई है। इस मेले की पहचान एक वक्त हाथियों की वजह से हुआ करती थी। वक्त बदला और हाथियों की खरीद बिक्री पर रोक लग गई। बावजूद इसके मेले की ऐतिहासिक पहचान को देखते हुए यहां हाथी आते रहे। मेले के पहले दिन हाथियों का भी स्नान गंगा और गंडक के संगम पर होता रहा। हाथी स्नान की वर्षों की परंपरा इस वर्ष हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले के दौरान टूट गई। कार्तिक पूर्णिमा की तिथि को यहाँ हाथी तो लाए गए, लेकिन उसके रखने और नदी स्नान के लिए उपयुक्त स्थान नहीं उपलब्ध कराए जाने से हाथी पालक अपना हाथी लेकर वापस लौट गया। इसका विरोध संत बालक बाबा ने किया। बालक बाबा ने बताया कि स्थानीय प्रशासन के पदाधिकारियों ने हाथी के लिए एक स्थल चयन किया था। वहां उसके लिए बालक बाबा ने अपने स्तर से रुपए खर्च कर एक टेंट शामियाने की व्यवस्था भी कराई। जब हाथी मालिक अपना हाथी लेकर यहाँ पहुंचे, तब स्थल उपयुक्त नहीं मानते हुए हाथी को बिना नारायणी नदी में स्नान कराए ही वापस लौट गए। बालक बाबा ने इसे हरिहर क्षेत्र मेला के प्रति घोर उपेक्षा और उदासीनता मानते हुए उसकी प्रशासन से उक्त परंपरा को कायम किए जाने की मांग की है। इधर सोनपुर के पहलेजा घाट धाम में गंगा नदी में स्नान के बाद एक महिला कहीं भीड़ में गुम हो गई। उनके स्वजन तलाशते रहे किंतु कोई पता नहीं चला। पहलेजा घाट ओपी प्रभारी ने बताया कि लगभग 35 वर्षीय संगीता देवी सहरसा के सोनवर्षा निवासी धीरेन्द्र शाह की पत्नी थी। उनके लिए कंट्रोल रूम से भी कई बार ये सूचना प्रसारित की गई, लेकिन इस बार सोनपुर मेला 2022 जो बिहार में लगा है उसमें कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इस बार जो है वर्षों पुराना इतिहास बदल गया, या यूं कहें कि सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा इस बार टूट चुकी है। कारण आपने इस वीडियो में जाना है। आप ये भी लगातार हमारे माध्यम से जानते आ रहे हैं कि सोनपुर मेला में इस बार क्या कुछ खास होने वाला है। इसके पहले हम वीडियो में आपको ये भी बता चुके हैं कि इस बार सोनपुर के मंच पर बॉलीवुड के कौन कौन से दिग्गज कलाकार आ रहे हैं, और तो और संगीत की दुनिया के कई नामी गिरामी चेहरों का प्रस्तुति भी आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। कुल मिलाकर सोनपुर मेले में आयोजन तो भव्य किया जा रहा है, लेकिन इस बार बालक बाबा के आरोप के बाद ये चर्चा तेज हो गई है कि सैकड़ों वर्ष पुरानी परंपरा आखिर टूटी तो कैसे। बहरहाल सोनपुर मेले में लोगों के आने का सिलसिला जारी है। 2 साल से लोग कोरोना की महामारी झेल रहे थे, जिसके बाद ये मेला नहीं लगा था, लेकिन इस बार 2 साल के बाद बिहार के सोनपुर में ये मेला लगा हुआ है, जहां पर सैकड़ों और हजारों की संख्या में अभी से लोग पहुंचना शुरू कर चुके हैं। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें।